नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसा आप देख सकते हो, आज हम मेसी फर्गुसन 245 DI पैलेंट्री प्लस जो ट्रैक्टर आता है इनका, उस ट्रैक्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो और किस किसान भाई के लिए ट्रैक्टर लेना चाहिए वो भी बताऊंगा, और इनके यहाँ पे एजेंसी पर कुछ ऑफर चल रहा जो कि मेसी की ओर से है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा किस किसान भाई को इनाम मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। समझ के बोल रहा हूँ यार। तो हम टायर शुरुआत कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के। आगे के टायर में 616 के है, और उसका एक 50 HP मॉडल भी आता है, 46 HP है। उस ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को तो 750-16 का टायर भी मिल जाएंगे, और उसमें 26-28 के टायर मिल जाते हैं पीछे के, जेके के आप देख सकते हो। इसमें 14-28 के टायर आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर हम ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की एक्सल की, तो उसमें एक्सल देख सकते हो, उसमें हैवी ड्यूटी मिल जाता है लेकिन एडजस्टेबल नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसके अंदर पावर स्टीरिंग जो मिलता है वो ज़बरदस्त मिलता है। इस पावर स्टीरिंग का बेनिफिट ये होता है, ये डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग रोड होती है, यानी दोनों साइड रोड चलती है पावर स्टीयरिंग की। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, आपको शायद दिख जाए बोरी, ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट ये होता है, ये दोनों साइड रोड चलती है। अगर हमारा 5-10 साल में कोई ट्रैक्टर कोई गिरोली गिर जाए कुछ भी हिस्सा, तो हम वो हिस्सा छोटा छोटा चेंज करा सकते, पूरा पावर स्टीयरिंग बदलवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। इससे किसान भाई के पैसा और टाइम दोनों बच जाता है। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ की, ओवरऑल चौड़ाई की, लंबाई की, ऊंचाई की, तो वो मैं नीचे भी लिखा रहा होगा क्या है डिटेल में, उस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि असलियत तो वही है। अगर हम इसकी ट्रैक्टर की चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो 1690 mm का चौड़ा है ट्रैक्टर, और 1798 mm इसकी ट्रैक्टर की व्हील बेस की लंबाई है, इस पॉइंट से लेकर ट्रैक्टर के बीच पॉइंट तक। और ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ जो है 3360 mm का ट्रैक्टर है, और ऊंचाई बीच में लिख रही होगी आपको 1800 mm के आसपास होगी। और जिसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 300 के आसपास होगा, लमसम 320 के आसपास, वो भी सब आपको नीचे लिखा रहा होगा, उस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दें, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की आगे के इसके बुल गार्ड की या बम्फर की, तो अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग नाम दिया जाता है इसको। तो 60-70 किलो कंपनी फिट मिल जाता है, जिसमें ट्यूशन करना नहीं है, पहला ही प्रोविजन करा रखा, आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आगे इसके अगर हम लुक की बात कर लेते हैं, तो ट्रैक्टर ऐसा निकलता है आगे से जैसे इसके और जो बड़े एल्डर्स ब्रदर्स ट्रैक्टर है 95 वगैरह या 72-50, उसी की तरह का इसका लुक मिलता है। क्योंकि पैलेंटेड ड्राइव ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर के अंदर 66% कम लोड पड़ता है खींचने के टाइम पर। इसका बोनट सिंगल पीस बोनट है, इस बटन को दबाओ और दूसरी साइड का, तो आगे की ओर पूरा बोनट गिर जाता है। आगे चलने से पहले मैं इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो कंपनी इंजन इस्तेमाल करता है, सैमसंग का इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर है बोस का पंप के साथ, और लगभग 55 लीटर का डीजल टैंक है इस ट्रैक्टर के अंदर। बैटरी बॉक्स इसमें बैटरी इधर मिल जाती है, आपको दिख रही होगी साफ तरीके से। और एक इसमें यहाँ पर मिल जाता है वाटर सेपरेटर, प्लस एक इसमें इंजन ऑयल फिल्टर है, जो कि इस ट्रैक्टर में यहाँ दे रखा है ये वाला, ये तो इंजन ऑयल फिल्टर हो गया। इस ट्रैक्टर के अंदर ये रहे डीजल ऑयल फिल्टर, इधर मिल जाते हैं दो बोस के, ठीक है ना। उसके बाद पंप में जाता है, जिससे हमारे पंप की और इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। उस ट्रैक्टर का इंजन जो 2700 cc का है, जो कि 46 HP का ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर में कौन सा मॉडल है इंजन का, वो भी मैं आपको बताता हूँ दूसरी साइड चल के। तो उसमें देख सकते हो इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन सैमसंग का इस्तेमाल करती है, और इस मॉडल का इंजन का नाम है देख सकते हो T3A S325 5F31 इंजन इस्तेमाल होता है ट्रैक्टर के अंदर। पावर स्ट्रिंग का इसमें ऑयल अलग लेती है कंपनी, इससे बेनिफिट होता है हमारे ट्रैक्टर के पावर स्ट्रिंग की लाइफ लंबी हो जाती है, और हमारे ट्रैक्टर के पावर स्ट्रिंग जल्दी ख़राब नहीं होता। और इसमें देख सकते हो 1.5 लीटर का कूलेंट बॉक्स इधर मिल जाता है, एक इसमें डायनोमो इधर मिल जाता है, जो कि बैटरी चार्ज करता है, इसे कवर कर रखा कंपनी ने। इसमें देख सकते हो प्लास्टिक की इसमें पंखड़े मिल जाते हैं ट्रैक्टर को ठंडा करने के लिए, और उसके अंदर देख सकते हो 3 स्टेज ऑयल्ड बाथ इसमें एयर क्लीनर मिल जाता है, जो कि इधर की साइड है। इसको अगर हम निकालना चाहें तो इस तरह से, ये निकालने के बाद, और इस ट्रैक्टर को हम इस सिंगल पीस बोनट है, तो हम इसे ऐसे उठा सकते हैं। मैं आपको उठा करके दिखा देता हूँ एक बार, आप देख सकते हो 55 लीटर डीजल टैंक इधर मिल जाता है, इसमें बैटरी एमरोन की इधर मिल जाती है, ये देख सकते हो ओल्ड बाथ एयर क्लीनर इधर मिल जाएगा इस ट्रैक्टर के अंदर। और इंजन के ऊपर इसमें डीजल टैंक होने का बेनिफिट ये होता है, लोहे का है, फाइबर का नहीं है, इससे हमारे ट्रैक्टर को बैलेंस बनाने के रखने में कामयाब होता है। और इसमें देख सकते हो जब हमारा पार्टिंग चौक होएगा, तो इसमें सेंसर भी है, ये देख सकते हो बटन इसमें दे रखा है, इसमें हमारा सेंस करता है मीटर के अंदर, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इस बोनट को हम नीचे की ओर डाल देते हैं, तो जैसे देख सकते हो हमने अपना पूरा बोनट वापस लगा दिया है, ठीक है ना। और ये 46 HP ट्रैक्टर मैंने आपको पहले ही बता देता, तो जैसे आपको दिखा देता हूँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, तो 7 महीने 2021 का बना हुआ ट्रैक्टर है, और 30.5 यानी कि लगभग इस ट्रैक्टर के अगर हम PTO की HP की बात करें तो 42 HP के आसपास ये PTO पावर निकाल देता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर देखे तो ऑयल लिमिट डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि इस ट्रैक्टर के अंदर ऊंचा पायदान कर दिया कंपनी ने, और पैर की एक्सीलेटर इधर कर दिया,
और ट्रैक्टर के अंदर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर टॉप टैलेंटेड ड्राइवर है। तो उस ट्रैक्टर के अंदर 10 फॉरवर्ड 2 रिवर्स मिल जाते हैं, आपको देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये आयल उधर आ जाता है ट्रैक्टर का, डिलक्स ये ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है, देख सकते हो काफ़ी ऊंची बैक सपोर्ट के लिए, और जो कि मेसी के लोगों के साथ है। और सीट एडजस्टेबल आके पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। मरगार्ड में एक साइड आपको इसमें हैंडल नहीं मिलता जिसमें हम अपने पैसेंजर को बैठा करके वो पकड़ करके बैठ सकता है, एक साइड मिल जाता है। मेसी के सभी ट्रैक्टर के साथ यही है, अगर आप इसमें छतरी लगवाना चाहते हो तो छतरी लगवा सकते हो, दोनों साइड हैंडल लगवाना तो दोनों साइड लगवा सकते हो, दोनों साइड ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो कि पकड़ के चढ़ने के काम आता है, ठीक है ना। और इधर से जैसे ट्रैक्टर में यही था, मैं आपको दूसरी साइड चलता हूँ फिर पीछे दिखाता हूँ ट्रैक्टर को। तो जैसे जैसे बताया तो मैं आपको इधर देख सकता हूँ, उसमें फुट स्टेपर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है चढ़ने के लिए, और डबल ग्लिस ट्रैक्टर मिल जाता है जो कि एक ग्लिस में डबल काम करता है। इसमें पीटीओ मिल जाती है, 4 पीटीओ मिलती है, इसमें GS पीटीओ मिल जाती है, MS पीटीओ मिल जाती है और Live पीटीओ मिल जाती है इस ट्रैक्टर के अंदर। इंडिपेंडेंट हैंडब्रेक मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें फिलहाल तो यही था, ऊपर से बताया तो मैं आपको एक बार यहीं से। तो आप देख सकते हो इस ट्रैक्टर के अंदर डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिल जाता है। इस ट्रैक्टर के जो इंजन रेटेड RPM है वो 1800 रेटेड RPM है इंजन के, लेकिन 3000 दिखा रखे है, ठीक है ना। और इसमें सारी सुई का काम होता है, लेकिन डिजिटल में इसमें घंटे मिल जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर, पैर के एक्सीलेटर हाथ के एक्सीलेटर मिल जाती है, मोबाइल चार्जर मिल जाता है, और एक इसमें रिफ्लेक्टिंग लाइट है, मतलब साइड मिरर है जो कि पीछे दिखाता है, रिवर्स मिरर बोल देते हैं। और पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है, देख सकते हो स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा दिखा रखा है कंपनी ने। और इसमें आप गियर बॉक्स अपने हिसाब से ले सकते हो, कम गियर वाला चाहिए था आपको कम गियर वाला मिल जाएगा 8/2 वाला, ये लेकिन 10/2 वाला है। आइए पीछे चल लेते हैं, पीछे से आपको दिखाता हूँ एक बार, फिर अपनी वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। तो जैसे हम पीछे आ चुके तो पीछे से आप देख सकते हो, इसमें एक हैलोजन हेडलैम्प मिल जाती है जो कि रात में अगर कोई इम्प्लीमेंट अगर जोड़ दो तो उसमें चांदना दिखाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इस ट्रैक्टर को उस किसान भाई को लेना चाहिए जो किसान भाई खेती का काम ज़्यादा करता है, क्योंकि इस ट्रैक्टर की सेंसिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है, 3-3 टोपलिंग सेंस मिल जाती है, और उसकी खिंचाव सबसे अच्छा ट्रैक्टर है अंदर, क्योंकि इसमें प्लेटिन ड्राइव ट्रैक्टर मिल जाता है, पैलेंटेड ड्राइव, इससे हमारे ट्रैक्टर की जो गियर बक्से पर जो लोड होता है 66% कम लगता है। एक इसमें एक्सिलरी वाल्व मिल जाता है, नंबर प्लेट के लिए कंपनी ने पहले प्रोविजन कर रखा है, टूल बॉक्स इधर मिल जाता है प्लास्टिक का लोक वाला, और एक इसमें रिफ्लेक्टिंग लाइट के साथ साथ बॉटल होल्डर इधर मिल जाती है ट्रैक्टर की। लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो 17 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। PTO की पावर की मैंने बता दी आपको, 42 HP के आसपास PTO पावर मिल जाती है जो कि रिवर्स PTO के साथ ट्रैक्टर मिल जाता है। और तो यही ट्रैक्टर में इसमें खास बात थी, मैं आपको दिखाता हूँ पैलेंटर ड्राइव का सफर चलता है, देख सकते हो बाहर हब्स लगा हुआ है इसमें। तो ट्रैक्टर कैसा लगा आपको, इसकी मैं डीजल खपत की मैं बताता हूँ, तो ट्रैक्टर फुल लोड पर 5.5 लीटर तक ट्रैक्टर डीजल लेगा, 5 से लेकर 5.5 लीटर तक, ठीक है ना। और ट्रैक्टर कैसा लगा मैं इसकी प्राइस नहीं बता सकता, क्योंकि प्राइस बताने को एजेंसी पर मना किया हुआ, तो जो आपको पूछना हो तो एजेंसी पर आ जाइए। तो ये मोदीपुरम एजेंसी पड़ती है राजधानी मेसी के नाम से, ठीक है ना। और देख सकते हो मारुति शोरूम के सामने है, सामने मारुति का शोरूम है। तो थैंक यू, धन्यवाद।